गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएस ज्ञान ट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जत्यपाल सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 2013 का केस है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के केसमेट में दिया गया है। यह केस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 यानी डेफिनेशन ऑफ स्टेट से रिलेटेड है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलें। लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस केस के फैक्ट्स, इश्यूज और जजमेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। इस केस का जो फैक्ट होता है, इसमें VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड के जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक्स होते हैं, वह टाटा कंपनी के द्वारा खरीद लिया जाता है और उसके बाद उसका नाम चेंज करके यानी बदल करके टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड कर दिया जाता है। इसके बाद उसके कुछ कर्मचारियों को भी नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो जो कर्मचारी नौकरी से निकाल दिए जाते हैं, वे इस ग्राउंड पर कोर्ट पहुँच जाते हैं कि उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया गया है, ऐसा इनका मानना होता है। तो इस केस में जो इशू अराइज होता है, वो यह होता है कि क्या VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड, जो कि बाद में टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड हो गया है, वह डेफिनेशन ऑफ स्टेट के एम्बिट में आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि अगर VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड डेफिनेशन ऑफ स्टेट के एम्बिट में आएगा, तभी कोर्ट इस केस को इंटरटेन करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंदर मतलब कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन स्टेट के द्वारा किया जाता है, तभी वो कोर्ट रिट पिटीशन रिट इशू कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती है। तो ये सवाल उठता है कि जो VSNL है यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड, वो स्टेट है भी कि नहीं, ये इशू अराइज हो जाता है कोर्ट के सामने। इस केस में VSNL का जो कंटेंशन होता है, वो यह होता है कि VSNL जो अब स्टेट नहीं है, उनका कहना होता है कि VSNL स्टेट नहीं है, इसलिए पेटिशनर अपने फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के ग्राउंड पर कोर्ट नहीं जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो पेटिशनर होता है, उनका कंटेंशन ये होता है कि जो VSNL है पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म कर रही है, यानी एक पब्लिक ड्यूटी करती है। इसका मतलब ये हुआ, इसका जो मेन फंक्शन है वह पब्लिक ड्यूटी से रिलेटेड है, जो कि गवर्नमेंट का फंक्शन है, इसलिए VSNL डेफिनेशन ऑफ स्टेट के एम्बिट में आएगा और वे कोर्ट जा सकते हैं, ऐसा पेटिशनर का मानना होता है। तो आते हैं अब कोर्ट का ऑब्जर्वेशन और डिसीजन क्या होता है, उसको देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि VSNL अपने सब्सक्राइबर को जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसके बदले में सब्सक्राइबर से पैसे लेती है, यानी पेमेंट लेती है, जो कि एक प्रकार का कॉमर्शियल चार्ज होता है। यदि कोई आदमी अपने सर्विस को प्रोवाइड करने के बदले में पेमेंट लेता है, तो उसका काम पब्लिक ड्यूटी के दायरे में नहीं आता, यानी पब्लिक ड्यूटी के एम्बिट में आएगा ही नहीं, यानी कि पब्लिक फंक्शन नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का यह मानना होता है कि BSNL जो फंक्शन है वह पब्लिक फंक्शन है ही नहीं है, यानी पब्लिक फंक्शन के एम्बिट में आता ही नहीं है, इसलिए BSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट के एम्बिट में नहीं आएगा। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट का कहना यह होता है, चूँकि VSNL डेफिनेशन ऑफ स्टेट के एम्बिट में आता ही नहीं है, तो इसके कर्मचारी जो हैं जिनको कि टर्मिनेट कर दिया गया है यानी सर्विस से निकाल दिया गया है, वे फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के ग्राउंड पर कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये उसका यानी सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन होता है। तो ये थे इस केस के फैक्ट्स, इश्यूज और जजमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ पर हमारा ईमेल आईडी है GS ज्ञान ट्यूब चैनल, इस पर आप लिख सकते हैं हमें, और PDF आप इस वीडियो का डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक GS ज्ञान ट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
इसी के साथ जीएस ज्ञान ट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।